हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, मतलब जो है दोस्तों जैस्मिन प्लांट। और इसको जो है दोस्तों बहुत सारे लोग बेला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है दोस्तों ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा। मतलब ये पूरे ही गर्मी में जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी भी ये समस्या है कि उनका जो मोगरा का पौधा है वो अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं किया है, या फिर जो है दोस्तों एक बार फ्लावरिंग करके और फिर फ्लावरिंग बंद कर दिया है, या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उनका मोगरा का पौधा में न्यू ग्रोथ ही नहीं आ रही है, न्यू ब्रांचेज ही नहीं आ रही है और कोई भी फ्लावर्स नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको यह जानना है दोस्तों कि मोगरा का जो पौधा होता है वो हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है, कभी भी उसमें जो है दोस्तों पुरानी ब्रांचेज में फ्लावरिंग नहीं आती है। तो जब तक आपका मोगरा का पौधा नई नई ब्रांचेज लाना शुरू नहीं करेगा तब तक जो है दोस्तों उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी दोस्तों कि आपको अपने मोगरे के पौधे में कौन से काम करने हैं और कैसे जो है दोस्तों उसको न्यूट्रिशन देना है, जिससे जो आपका मोगरा का पौधा है वो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव हो जाए और न्यू न्यू ग्रोथ भी लाने लगे दोस्तों, और इस तरह से जो है वो आपका मोगरा का पौधा घना भी हो जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं केयर टिप्स नंबर वन की। तो सबसे पहला केयर आपको यही करना है दोस्तों कि अगर आपके मोगरे के पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो के फिर फ्लावर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको यह नहीं सोचना है कि आपका जो पौधा है वो खुद ही फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा। आपको उसमें जो है दोस्तों थोड़ी बहुत केयर करने की आवश्यकता है। अगर आप उसमें केयर नहीं करोगे तो फिर जो है दोस्तों वो खुद ब खुद फ्लावरिंग नहीं लाएगा। तो सबसे पहला केयर आपको ये क्या करना है दोस्तों, तो जो भी ब्रांचेज में पहले से फ्लावर आके जो है दोस्तों वो सूख चुकी हैं, इस तरह की सूख गई हैं, उनको आपको इंतजार नहीं करना है कि खुद ब खुद कब झड़ेंगे। इनको आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से हाथ से या फिर कटर के माध्यम से जो है वो कट करके हटा देना है। जब भी आप अपने जो भी फ्लावरिंग होके खत्म हो जाए दोस्तों, तो आप क्या करें उसकी टिप को कट करते रहे। जब आप उसकी टिप को कट करते रहोगे तो उसमें जो है दोस्तों न्यू न्यू ग्रोथ आपकी होती रहेगी। तो सबसे पहली बात आपको यह जानना है कि ग्रोथ करने के लिए जो है दोस्तों आपके पौधे को ग्रोथ करने के लिए किस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो हमारे पौधे को ग्रोथ करने के लिए जो है दोस्तों नाइट्रोजन का सोर्स मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसको अगर नाइट्रोजन का सोर्स मिलेगा तो वो जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां से भी फ्लावर आके जो है दोस्तों वो सूख चुकी है वहाँ से आपको क्या करना है, उसके टिप को कट कर देना है। टिप को जैसे ही आप कट करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ से जो है दोस्तों न्यू न्यू दो दो ब्रांचेज आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ से जो है वो कट किया हुआ था, तो यहाँ से दो न्यू ब्रांच आई है और दोनों ही न्यू ब्रांच में देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ से कट किया था तो यहाँ से न्यू ब्रांच आई है। उसी तरह से मेरे पौधे में आप हर जगह पर देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से कट किया है तो यहाँ से चार चार ब्रांचेज आ रही हैं और सारे ही ब्रांचेज में कितनी अच्छी जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी हो रही है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको कट करना है, उसके बाद कट करने के बाद जो है दोस्तों आपको उसमें न्यूट्रिशन देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू ये है दोस्तों कि आपको अपने गमले की मिट्टी की समय समय पे साफ सफाई करते रहनी है। इस तरह से जो भी खर पतवार उसमें निकल के आ गए हैं उनको आपको क्या करना है, समय समय पे हटाते रहना है। और इस तरह से ये काम आप अगर आप कर लियो दोस्तों, तो फिर आपको यह जानना है कि इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। तो फ्लावरिंग इसकी मिट्टी का जो है दोस्तों एसेटिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपके गमले की मिट्टी एसेटिक रहेगी तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। तो आप क्या करें सबसे पहले, और अपने एसेटिक बनाने के लिए आप अपने गमले में क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपने गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई कर लें, जितने भी सारे खर पतवार निकले हैं उनको सबसे पहले हटा दें, उसके बाद आप इसमें न्यूट्रिशन दें। उसके बाद चलिए दोस्तों, उसके बाद न्यूट्रिशन देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपने मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना होता है। और गुड़ाई भी जो है दोस्तों आपको इस तरह से साइड साइड से करना है, एकदम जो है दोस्तों आपको रूट्स के सामने से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ से गुड़ाई करोगे तो क्या होगा, इसका रूट्स कट होगा और रूट्स कट होगा तो फिर जो है दोस्तों ये फिर न्यू न्यू ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसलिए आपको एकदम साइड साइड से और हल्की हल्की 1 से 1.5 इंच की गुड़ाई करना है, तो ज़्यादा गहरी गुड़ाई भी नहीं करना है। इस तरह से सबसे पहले मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, इस तरह से गुड़ाई कर ले दोस्तों। और गुड़ाई करने के बाद अपनी मिट्टी को इस तरह से जो भी इस तरह से इकट्ठे इकट्ठे हो गए होंगे उसको आपको क्या कर ले, इस तरह से भुरभुरी कर ले। भुरभुरी मिट्टी रहेगी तो क्या होगा, हमारे पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलता है। तो इस तरह से जब भी आप गुड़ाई करें तो अपनी मिट्टी को बहुत ही अच्छे से एकदम भुरभुरी कर ले। उसके बाद इस तरह से देख सकते हैं मैंने अपने सारे ही गमले की जो है दोस्तों गुड़ाई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, अब इसमें जो मैं ऐड करने वाली हूँ दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती जो होती है दोस्तों ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती है। और ये जो है दोस्तों हमारे पौधे को
हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखने में भी हेल्प करती है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पौधे को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन का सोर्स मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मोगरे के पौधे को जो है दोस्तों फ्लावरिंग करने के लिए उसके गमले के मिट्टी का एसिडिक होना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो चाय की पत्ती है दोस्तों, ये हमारे किचन में यूज़ होने वाले बहुत ही मामूली से चीज़ है, और इसी के इस्तेमाल से जो है दोस्तों आप अपने पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग भी ले सकते हो, और जो है दोस्तों उसमें आप अच्छी खासी ग्रोथ भी ले सकते हो। आपका पौधा जो अगर नए नए ब्रांचेस नहीं ला रहा है तो इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो वो नए नए ब्रांचेस भी लाने लगेगा। तो आपको कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा नहीं देना है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है, तो आपको एक एक चम्मच करके, ये मेरा 8 इंच का गमला है तो 8 इंच के गमले में इस तरह से मैं एक एक चम्मच करके दे दूँगी। और अगर आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 2 से 3 चम्मच दे सकते हो। तो इस तरह से आपको साइड साइड से दे देना है। मैं अपने सारे ही गमले में दे दूँगी, तीनों गमले में। इससे क्या होगा दोस्तों, इसका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होते रहेगा, और जो है इसमें फ्लावर्स भी कंटिन्यूसली बनते रहेंगे। तो फिर हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी कि सारे जो फ्लावर्स आके झड़ चुके हैं लेकिन न्यू फ्लावर नहीं बन रहा है। तो 15-15 दिन में आपको न्यूट्रिशन भी देते रहना है, तभी आपका पौधा जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ भी करते रहता है। तो इस तरह से इसको दे दे, उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ कि आपको दूसरा फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो आज हम लोग जो दूसरा खाद इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और कोई भी जो व्हाइट कलर की फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है उसको कैल्शियम का मात्रा मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसको कैल्शियम का मात्रा अच्छी खासी मिल जाएगा तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं दोस्तों वो बहुत ही बड़े बड़े साइज के होते हैं, और बहुत ही अच्छी खासी एकदम ग्लो भी करते हैं, और बहुत ही अच्छे से एकदम भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि उसके लिए जो है दोस्तों हमने क्या फर्टिलाइज़र लिया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये है नींबू का छिलका, और अभी गर्मी में जो है दोस्तों सारे ही लोगों के घर में नींबू इस्तेमाल होता ही होता है। तो नींबू का जो है दोस्तों अक्सर हम लोग इस रस को का इस्तेमाल करते हैं और छिलके को फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये जो है दोस्तों ये हमारे मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फर्टिलाइज़र है। इसका अगर आप अपने मोगरे के पौधे में इस्तेमाल करोगे तो आपके मोगरे के पौधे की जो है दोस्तों कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी को ये बहुत ही अच्छे से पूरा कर देता है। तो किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमने छोटे छोटे टुकड़ों में नींबू के छिलके को कट करके क्या किया है, 24 आवर के लिए भिगो के छोड़ दिया है। 24 आवर के लिए कम से कम आपको भिगो के छोड़ना ही है दोस्तों। उससे क्या होगा, ये जो है सारे ही न्यूट्रिशन को अपने पानी में छोड़ चुका होगा, और नींबू का रस को आपको इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, हमेशा आपको नींबू के छिलके का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि छिलके में जो है दोस्तों जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो मोगरे के पौधे को ग्रोथ करने में या फ्लावरिंग करने में हेल्प करते हैं, ना कि जो है रस में पाए जाते हैं उससे। इसलिए आप इस तरह की गलती ना करें, आप नींबू के रस का इस्तेमाल ना करें। आप छिलके को क्या करें, भिगो के कम से कम 24 आवर के लिए छोड़ दे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों आप 2 से 3 दिन के लिए भी इसको छोड़ सकते हैं, किसी भी तरह की इसमें कोई भी खराबी नहीं होगी। तो आप इस तरह से छोड़ दे, उसके बाद देख सकते हैं मैंने इतना सा पानी लिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसको छान के निकाल लेना है, उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ आपको कितनी पानी में इसका डाइल्यूट करना है। क्या करूँगी दोस्तों, इस तरह से मैं इसको हाथ से छान के निकाल लूँगी, और मैं इसका पानी को देख सकते हैं, यहाँ मैंने जो है दोस्तों 1 लीटर पानी लिया हुआ है। तो 1 लीटर पानी में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 200 से 300 ml होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद जो है दोस्तों इन छिलकों को मैं छान के निकाल लूँगी। और ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से पौधे में डालने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और ज़्यादा जो पैसे की कोई खर्च भी नहीं है। तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा अपने पौधे को केयर करने के लिए थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन जो है दोस्तों समय समय पर देनी ही पड़ेगी। तो ये जो है दोस्तों मैं अपने तीनों ही गमले में दूंगी, जैसा कि मैंने तीनों ही में चाय पत्ती दिया हुआ था, तो तीनों ही में जो है दोस्तों मैं इस न्यूट्रिशन को भी दूंगी। आप कभी भी इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करो तो आप सबसे पहले चाय पत्ती का इस्तेमाल कर लो, उसके बाद आप इस न्यूट्रिशन को दे सकते हो। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन का सोर्स भी मिल जाएगा पौधे को। तो इस तरह से डिवाइड करके मैं इस तरह से हल्की हल्की करके दे दूंगी, जितना जो है वो गमले का मिट्टी सोख भी लेगा और ड्रेनेज से निकलेगा भी नहीं इस तरह से देने के बाद। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आपको धूप के टाइम पे नहीं करना है, आप मॉर्निंग के टाइम पे करें या फिर जो है दोस्तों आप शाम के टाइम पे करें। आप कभी भी धूप के टाइम पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप अगर धूप के टाइम पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करें, उसको जो है दोस्तों शेडी वाले एरिया में रख दें। जैसे कि अभी धूप खिल गया है लेकिन मैं अभी फर्टिलाइजर दे रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अभी इसको ग्रीनेट के नीचे रखूंगी। तो इस तरह से आपको देखभाल करनी है। देख सकते हैं आप मेरे पौधे में कितनी ही अच्छी नई नई ग्रोथ आ रही है, और बहुत अच्छी खासी जो है दोस्तों फ्लावरिंग भी मेरे पौधे से हो रही है। देख सकते हैं सारे ही जो ब्रांचेस है उसमें कितनी अच्छी एकदम भर भर के कलियां बन रही है, और बहुत सारे जो है दोस्तों न्यू ग्रोथ आए हैं, और न्यू ग्रोथ में ही कलियाँ बनी हुई है। तो मैं जो है दोस्तों इसी तरह से अपने पौधे की केयर करती हूँ, और इसी तरह से न्यूट्रिशन मैंने दिया हुआ है, तभी देख सकते हैं मेरा पौधा कितना ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है और एकदम भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो गया है। तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी जो है दोस्तों आपको 10 से 15 दिन में एक बार करना है, और इस तरह से अपने पौधे से ग्रोथ भी लेना है और फ्लावरिंग भी लेना है। समय समय पर आपको जो है दोस्तों थोड़ी बहुत केयर तो करनी ही पड़ेगी।
तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।